बार बार यही कहेंगे कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि कोरोना से लड़ना है और कोरोना से बचना है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड इसे लेकर अलर्ट पर है। इस बीच गिरिडीह में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूबे के बाकी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग हालात को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से जंग को लेकर झारखंड सरकार ने शुरुआत में ही कमर कस ली थी। एयरपोर्ट पर निगरानी, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने जैसी कवायद वक्त रहते ही शुरू करने का नतीजा ये हुआ कि अभी तक राज्य में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ संदिग्ध मरीज रांची के रिम्स जरूर पहुंचे, लेकिन किसी का भी सैंपल पॉजिटिव नहीं निकला। इस बीच गिरिडीह में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज का पता चला है। युवक बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है और गिरिडीह के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। युवक एक दिन पहले ही ट्रेन से गिरिडीह आया था और आने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। फिलहाल युवक को सदर अस्पताल में जांच के बाद आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हम जांच के लिए जमशेदपुर में नया खुला है, अभी नजदीक में जांच हमारा कोरोना वायरस है या नहीं, हम वहां भेजेंगे स्वाब को, ब्लड को कंफर्म होने के बाद ही बोलेंगे कि लक्षण है या नहीं, लक्षण से कोरोना वायरस साबित नहीं हो। राजधानी रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जहां संदिग्ध मरीज की पहचान होते ही उसे भर्ती किया जाता है। आइसोलेशन वार्ड को नियम के मुताबिक बंद रखा गया है ताकि ये पूरे तरीके से आइसोलेट रह सके। अभी यहाँ पर आम जाने के आम लोगों के लिए ये एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ तक डॉक्टर्स या फिर कोई भी इस आइसोलेशन वार्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है बगैर इजाजत। क्या है मामला, हमारे साथ अस्पताल प्रबंधन की मैडम मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से ये वार्ड को तैयार किया गया है? नहीं, ये पेशेंट को आइसोलेट करने के लिए किया गया है। अच्छा, अब ये बंद है, इस पे कौन अंदर जा सकता है, क्या एहतियात बरतें? डॉक्टर्स और जो उस पेशेंट के साथ डील करेंगे वही जाएंगे। वही कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार है। जिला प्रशासन खुद तैयारियों पर नजर रखे हुए है। नया बिल्डिंग में था, वहाँ चूंकि पैसेज में सभी मरीज वहाँ आते हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सर्दी खांसी एक दूसरे को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए विचार किया गया, डीसी साहब के द्वारा भी ये देखा गया कि जो एक अलग से बना हुआ एक बिल्डिंग है जो हमारा पुराना, उसमें जो है आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाएगा। हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड है, क्लियर एडवाइजरी आई हुई है कि लोगों को क्या करना है, अगर किस तरह के मरीज संदिग्ध की कैटेगरी में आते हैं, और उसके लिए पूरा हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर्ड है। आइसोलेशन वार्ड हम लोगों ने बनाया हुआ है। देवघर में कोरोना वायरस मास्क के नाम पर ग्राहकों से अवैध वसूली करने वाले मेडिकल दुकान औषधालय को देवघर सीओ ने सील कर दिया है। साथ ही मेडिकल संचालक समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जिले के उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों के साथ जिला खेल प्राधिकार, चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कई निजी संस्थाओं के साथ बैठक की और इस आपातकाल से निपटने में सहयोग का आग्रह किया। दो व्यक्तियों को भेजा इस दुकान में ये मास्क खरीदने के लिए, उसमें एक मास्क को उन्होंने 170 रुपया में बेचा और दूसरे को 2 मिनट के अंतराल पर 175 रुपये, जबकि ये पूरा ओपन है आइटम, आप खुद देख सकते हैं, ये इलीगल है पूरी तरह बेचना। उद्देश्य यही था कि हम लोग जो कोरोना वायरस से संबंधित जो चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है, खासतौर पे जो साफ सफाई से संबंधित चीज़ें हैं या जो प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने हैं, उसी पे एक अच्छी चर्चा हम लोगों ने की, बहुत सारे सजेशंस फीडबैक आए। वहीं साहिबगंज के सदर अस्पताल में भी कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनकर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। हम तो 10 दिन पहले से ही तैयारी कर चुके थे, इसमें वार्ड में एसी लगवाया गया है और 4 रूम सिंगल रूम है कि जिसमें उसके फैमिली वाले को रहना नहीं है, लेकिन बड़ा स्पेशियस रूम है, 4 रूम है जिसमें हम डबल बेड भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारी पुख्ता कर ली है। धनबाद के पीएमसीएच और सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कसनरी एहतियात के तौर पर हम लोग एक आइसोलेटेड वार्ड बनवा दिए पीएमसीएच में,
जिसमें दो बेड है, दो बेड 10 बेड है, जिसमें 6 जो है मेल 4 फीमेल बेड रखा गया है। चतरा के सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। जनता को जागरूक करने के लिए जिले से लेकर पंचायतों तक बैनर पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगह और विदेशी पर्यटकों पर खास नजर रखी जा रही है। निर्देश दिए गए हैं कि इंटरनेशनल वहाँ पर कोलेश्वरी और इटखोरी में जितने भी फॉरेन से अगर कोई टूरिस्ट आएगा तो उससे पहले उनकी पूरी जांच करने के बाद ही उनको हम वहाँ पे अलाउ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।